प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सटेंशन और मैं हूँ आपका दोस्त सुब्रत। एक नया वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि फ़ोन को कैसे आप लोग विंडोज 10 में कनेक्ट करेंगे, इसके ऊपर ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। मेरे पास जो फ़ोन है वो सैमसंग M52 5G फ़ोन है, और यहाँ पे देखिए लिंक टू विंडोज़ बोल के एक ऑप्शन दिया हुआ है नोटिफिकेशन टैब में, जो मैं ऐड करके रखा हूँ। और इसे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑफ़ लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कनेक्ट योर फोन्स टू योर कंप्यूटर सो यू कैन एक्सेस योर टेक्स्ट नोटिफिकेशन रिसेंट फोटोज एंड मोर। यानी अगर आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आप टेक्स्ट मैसेज तो कर ही सकते हैं, नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और फोटोज़ भी आप यहाँ से देख सकते हैं आपका लैपटॉप में। और सबसे बढ़िया बात, आप कोई भी कॉल को आप एक्सेप्ट करके आप लैपटॉप से ही बात कर सकते हैं, आपको फ़ोन उठाने का कोई दरकार नहीं है। तो इसे करते हैं ऑन। जैसे दोस्तों इसको ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि लिंक योर फोन एंड पीसी। अगर आप लिंक योर फोन एंड पीसी करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है इज द क्यूआर कोड ऑन योर पीसी रेडी। तो दोस्तों मेरा अभी जो स्क्रीन है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा डेस्कटॉप और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो यहाँ पे फोन पे जो URL शो हो रहा है उसे आपको टाइप करना है, तो यहाँ पे टाइप कर लेते फटाफट। तो ये देखिए ये URL टाइप हो गया, इसको करते एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए चूज एन एप्लीकेशन टू ओपन MS फोन लिंक। तो यहाँ पे योर फोन बता रहा है, यहाँ पे देखिए गेट इंस्टेंट एक्सेस टू योर फोन फोटोज टेक्स्ट एंड मोर, और यहाँ पे साइन इन की बात बोला जा रहा है। तो इसे करना होगा आपको साइन इन। साइन इन जैसे ही ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉग इन करने का विंडो ओपन हो गया, और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी या तो फोन या तो स्काइप कुछ भी देके आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा। अगर आपके पास कोई भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आप इसे क्रिएट वन करके आप कोई भी अकाउंट को खोल सकते हैं। तो चलिए मैं क्रिएट वन कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये जस्ट ए मोमेंट फिर से घूम रहा है। यहाँ पे मेरे को एक अकाउंट रेडी करना है तो मैं एक अकाउंट रेडी कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट कर दिए, इसके बाद ये लोड होगा दोस्तों। ये देखिए आप लोड हो गए। यूज दिस अकाउंट एवरीवेयर ऑन योर डिवाइस, यानी आप कहीं भी अगर माइक्रोसॉफ्ट का कुछ यूज कर रहे हैं तो ये ईमेल आईडी यूज करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। तो इसे मैं कॉपी कर लिया दोस्तों और इसे करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए प्लीज वेट आ गया जस्ट ए मोमेंट। ये देखिए आपका साइन इन हो गया। ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यूज द QR कोड टू पेयर डिवाइस, वी आर क्रिएटिंग ए यूनिक QR कोड फॉर यू टू साइन इन विथ subrotpatro03@outlook.com ऑन योर फोन। तो ये देखिए ये फिर से जस्ट ए मोमेंट आ गया। टू साइन एंड फिनिश लिंकिंग योर फोन स्कैन दिस QR कोड। ओके, तो यहाँ पे करते कंटिन्यू, और यहाँ पे देखिए वाइल यूजिंग ऐप, और इसे आपको स्कैन करना होगा। ये देखिए मैं स्कैन कर लिया हूं, स्कैन चल रहा है। ये देखिए पेयरिंग विथ पीसी होल टाइट एंड पेयरिंग इन प्रोसेस। ओके, तो ये प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए ओके अलाउ कर देते हैं, इसको भी अलाउ कर देते हैं, इसको भी अलाउ करना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पे डन, ओके यहाँ पे अलाउ करना होगा, ठीक है, और इसे करना होगा आपको कंटिन्यू। वेलकम टू योर फोन ऐप, पिन ऐप टू टक्स बार, ठीक है। तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में क्लिक करता हूँ, इसको करता हूँ स्किप, ठीक है। तो ये देखिए आपका फोन का पूरा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो गया। ये आपका मैसेज शो हो रहा है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो नोटिफिकेशन, यहाँ पे बोला जा रहा है ओपन सेटिंग्स ऑन योर फोन,
तो यहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑफ ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे ऑन किया हुआ है, शायद यहाँ पे कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए फोटोज में जाए तो फोटोज आपको दिख रहे हैं, ऐप्स में जाए तो यहाँ पे देखिए जितना भी ऐप्स आपका इंस्टॉल किया हुआ है वो हर एक ऐप यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे बैटरी का पावर शो हो रहा है, यहाँ पे आपका मोबाइल नेटवर्क जो कनेक्ट हुआ है जियो 4G वो यहाँ पे शो हो रहा है, और ये देखिए वाईफाई कनेक्ट हुआ है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कॉल्स पे देखिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, गेटिंग थिंग्स रेडी, शायद ये कॉल का भी पूरा डेटा आपके सामने हाजिर कर देगा। ये देखिए गेटिंग सेटअप, ओके तो सेटअप अलाउ, ये देखिए कनेक्टिंग टू सुब्रतो M52। आप यहाँ पे बोले डाज द पिन, ओके पीआर करते हैं, यस करते हैं, कनेक्शन सक्सीड, क्लोज, कनेक्ट टू योर फोन एंड पीसी बोल के आ गया है। अब देखते हैं मेक श्योर योर फोन इज नियर बाई एंड हैज ब्लूटूथ टर्न ऑन, ओके तो यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ टर्न ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्न ऑफ फोकस असिस्ट टू रिसीव कॉल्स, फोकस असिस्ट ओपन सेटिंग्स, फोकस असिस्ट यहाँ पे तो कुछ शो नहीं कर रहा है। अच्छा ओके, इसको करना है ऑफ, ठीक है इसको करना है ऑफ, तो ये ऑफ कर दिया। और यहाँ पे देखिए आपका फोन आ गया, देखिए आपका फोन पूरा ही आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीड परमिशन टू डिस्प्ले योर रिसेंट कॉल्स फोन, तो सेंड परमिशन यहाँ पे अलाउ कर दीजिए, ओके। यहाँ पे अपडेट योर कॉल हिस्ट्री, देखिए आपका पूरा कॉल हिस्ट्री यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से आप किसी को भी आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं, या तो आप मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप कोई भी मैसेज आप यहाँ से टाइप करके सेंड कर सकते हैं, और फोन आएगा तो आप यहाँ से भी आप रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया कि सैमसंग का ये जो सैमसंग M52 5G फोन है, इस फोन से या तो आप सैमसंग का नया फोन अगर खरीदे 5G जो एंड्रॉइड 11 पे रन कर रहा है, उस फोन पे ये जो फीचर है लिंक टू विंडोज या लिंक टू पीसी, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं आपका लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप से विंडोज 10 के साथ आपका एंड्रॉयड कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरह। और आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं बिना फोन को हाथ में लेते हुए, आप फोन को दूर में रखें, लेकिन आप ये फोन को अगर यहाँ पे ले लेंगे तो आप मल्टीपल ऑप्शन के साथ आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल अपडेट्स वीडियो आपको मिलते रहेंगे मेरा चैनल टेक्निकल एक्सटेंशन पे। अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नया वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।